मैंने बीकर के अंदर पानी भर लिया है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ आइस क्यूब्स हम रखेंगे, आइस के कुछ टुकड़े इसके अंदर ऐड करते हैं। तो ये रहे आइस के टुकड़े, मैं ऐड कर दिया। ठीक सर, अब आपको करना क्या है सर, इस धागे की सहायता से आपको इस आइस क्यूब्स को निकालना है। कोशिश करते हैं इस धागे को। चलिए सर, अब निकाल के दिखाइए। नहीं निकलो, चलिए मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ। चलिए ये रहा धागा, साल्ट, साल्टिंग करेंगे सर। ये साल्टिंग है, NaCl है, जो आप साल्ट यूज करते हैं घर में। ठीक सर, चलिए पहले निकालने से पहले इसको समझते ही हैं कि इसके पीछे साइंस क्या होता है। एक्चुअली में जैसे ही सर आप साल्ट ऐड करते हैं तो ये साल्ट जो होता है ये आइस के फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर कर देता है और आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही चूंकि अगल बगल का टेम्परेचर काफी लो होने के नाते फिर क्या होता है, फिर से वो आइस के फॉर्म में आ जाता है, मतलब फिर वो आइस कन्वर्ट हो जाता है, आइस बन जाता है। अब जरा सर उठा के दिखाएं,